दीज आर कॉल्ड हिंदू पुशअप्स, जिसे हम सूर्य नमस्कार नाम से भी जानते हैं। और मैंने लिटरली देखा है कि फॉरेनर्स इन पुशअप्स को प्रमोट कर रहे हैं, अपने वर्कआउट में यूज़ कर रहे हैं, उन पर वीडियोज़ बना रहे हैं, लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी संस्कृति घूम फिर के फॉरेनर से हमें समझ रही है। तो मैंने सोचा हमारी संस्कृति को हम ही क्यों ना प्रमोट करें, इसलिए इस वीडियो में हम करेंगे हिंदू पुशअप्स। अगर नहीं आते तो सीखने के लिए रेडी हो जाओ। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए सिंपल एंड इजी तरीके से सीखते हैं। शोल्डर विड्थ अपार्ट आपके हाथ की प्लेसमेंट रहेगी, आपके पैरों के बीच में थोड़ी सी गैप रहेगी और आपके एल्बोज को फ्लेयर आउट नहीं करना है, अंदर रखना है उन्हें। अगर इस मूवमेंट को सिंपल करने के लिए ब्रेक डाउन किया तो इसमें टू मूवमेंट्स है, एक अपवर्ड फेसिंग डॉग एंड डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। अब इसमें ट्रांजिशन करने के लिए आपको एक वेव क्रिएट करनी है किसी चीज़ के नीचे से गुजरने की तरह। और अगर आपसे एकदम से नहीं हो रहा तो आप ये दो मूवमेंट्स को अलग अलग भी परफॉर्म कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। आप अगर ऑलरेडी पुशअप्स कर सकते हो तो ये सीखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर नहीं कर सकते तो मुंह छुपाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बनाया है, प्रीवियस वीडियो है, जाके देख लो। एक्टिंग का तड़का लगा के पुशअप्स सिंपल एंड इजी तरीके से सिखाया है, वो सीख लो पहले। टेंशन नहीं लेने का रे, बस दर्शन स्थेटिक्स को सब्सक्राइब करने का। और बस दो तीन दिन करने के बाद अगर नहीं हो रहा तो छोड़ मत देना, मैगी थोड़ी बन रही है, थोड़े तो पेशेंस रखो। रोज़ जैसे मोबाइल चलाते हो वैसे ही रोज़ इन पुशअप्स की प्रैक्टिस करो, और कितने कर रहे हो इससे ज़्यादा रोज़ कर रहे हो ये इम्पॉर्टेंट है। 15 मिनट के लिए भी प्रैक्टिस कर ली ना तो भी बहुत है, पर इसमें रोज़ ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। और एक बार सीख लिए ना तो इसके बेनिफिट से बेनिफिट्स होंगे। जैसे इसके ईजियर वेरिएशंस दिखाए वैसे ही हार्डर वेरिएशंस भी है, पर उससे पहले ये करने के बेनिफिट्स तो जान ले। पहली बात जो ऑब्वियस है, आप ये करने से मसल्स एंड स्ट्रेंथ बिल्ड कर पाओगे। पर दूसरी बात जो ऑब्वियस नहीं है, हमारी बॉडी जिसके सहारे खड़ी है वो स्पाइन, बॉडी के मेन और बड़े जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट्स, ये मोबाइल होंगे, ये स्ट्रांग होंगे और हेल्दी फील करेंगे। सेकंड वन इज़ आप ये करने से अपनी बॉडी की एंड्यूरेंस बढ़ा सकते हो, स्टैमिना बढ़ा सकते हो, आपकी मोबिलिटी बढ़ेगी और आप बॉडी की पावर भी बढ़ा सकते हो। वर्ल्ड का सबसे एंशंट मार्शल आर्ट कलरीपयट, इसके प्रैक्टिशनर विद्युत जामवाल भी इसे अपने वर्कआउट में यूज़ करते हैं और वो लोगों को सजेस्ट भी करते हैं, और ब्रूसली भी करते थे। तो इससे बड़ा और अच्छा सर्टिफिकेट और क्या चाहिए। इन्हें और भी ज़्यादा मुश्किल और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, बॉडी की एंड्योरेंस, स्टैमिना, एक्सप्लोसिवनेस और पावर बढ़ाने के लिए आप ये प्रोग्रेशन भी कर सकते हो। इसमें दंड के साथ साथ बैठक भी इन्वॉल्व है, मतलब कि लेग्स भी ट्रेन होंगे। और इन्हें यूजुअली अखाड़े के पहलवान परफॉर्म करते हैं। तो एनीबडी वॉचिंग फ्रॉम कोल्हापुर, ड्रॉप अ फायर इमोजी, लव फ्रॉम सिंधुदुर्ग। बस स्टार्टिंग में एकदम हार्ड वेरिएशन चूज़ मत कर लेना, क्योंकि अपने जॉइंट्स को भी सेफ रखना है। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करो और अपने जॉइंट्स को सेफ रखो। एक्सरसाइज करते करते एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है, पर अगर बीच पे ऑडियो रिकॉर्ड करता ना तो मेरे बोलने पे ध्यान ही नहीं जाता, क्योंकि विंड का नॉइज़ ही उतना होता है। और सही टाइम आने का इंतज़ार मत करो, अभी से स्टार्ट कर दो ये पुशअप्स करना, क्योंकि हमारी संस्कृति के पुशअप्स एक्सरसाइजेस आप तक पहुँचाने से मुझे फ़र्क पड़ता है। ये डायलॉग मेरा नहीं था, पर इस डायलॉग के लिए लाइक करो और शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, आपको याद दिलाना था कि आप वो पिछला वाला हाउ टू डू पुशअप्स वीडियो देखने वाले थे, तो जाओ और देखो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ।